नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर, एक नजर कोहराम झटपट। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो में किया 181 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, 20,669 लाभुकों के बीच बांटी परिसंपत्तियां। पीएम किसान योजना की प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की 12वीं किस्त, रकम नहीं मिली तो 1800115266 पर करे शिकायत। रांची के रिसालदार बाबा की मजार पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, सालाना उर्स के मौके पर की चादर पोशी। सहारा इंडिया के खिलाफ उबाल पर निवेशकों और एजेंटों को गुस्सा, रांची के कोतवाली और सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज। रांची के नामकुम में कंटेनर की चपेट में आए स्कूटी सवार नर्स सहित दो लोग, नर्स की मौत। राजधानी रांची के तुपुदाना में बन रही शराब फैक्ट्री का विरोध, झंडा लेकर सड़क पर उतरे लोग। घाटशिला एसडीओ ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 18 हाईवा को पकड़ा, माफिया में हड़कंप। रांची से मसौड़ी जा रही यात्री बस टक्कर के बाद दनुआ घाटी में पलटी, कई पैसेंजर जख्मी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए देश भर में वोटिंग खत्म, झारखंड से पड़े 294 वोट। कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार। रांची के पहाड़ी मंदिर के पास बैटरी गोदाम में लगी आग, दो दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। झारखंड के लोहरदगा और लातेहार में उत्पात मचा रहा हाथियों का झुंड, दहशत में इलाके के लोग। तस्करों के जंगल में फंसी 12 लड़कियों का दिल्ली से रेस्क्यू, लाई गई रांची और चाईबासा। गोड्डा पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात नक्सली मिथुन मुर्मू, 7 साल से खोज रही थी पुलिस। मोतिहारी में घर में शॉर्ट सर्किट के बाद बाइक के टंकी में ब्लास्ट, दर्जनों लोग झुलसे। भागलपुर में 5 बच्चों के पिता की छुरा मारकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। छपरा में ससुर के मर्डर का बहू पर इल्जाम, बेटा बोला अवैध संबंध का करते थे विरोध। बिहार के मधेपुरा में मुखिया पति को दिन दहाड़े मारी गोली, हालत गंभीर। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई मुहर। टी20 वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में जीती टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से हराया। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।